राज्यों में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिसों के नाक के नीचे से ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। फिर से उन सभी पुलिस स्टेशनों के नाक के नीचे से ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किया चालक और आसान चालक और उन्हें तेलियामुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस को सौंप दिया गया। पता चला है कि वाहन क्रमांक UP06CT5064 अगरतला से तेलियामुरा की ओर जा रहा था। तेलियामुरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के SI विजय चंद्र दास सुबह से ही तेलियामुरा पुलिस स्टेशन के तहत हवाई बरी इलाके में लग रहे रेंज शर्ट चेक कर रहे थे। वाहन के नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश सरकार की संख्या के वजह हरियाणा सरकार की संख्या थी। SI विजय कुमार को संदेह हुआ, इसकी सूचना तेलियामुरा पुलिस स्टेशन को दी गई थी। साथ ही ट्रैफिक DSP विक्रमजीत शुक्ला दास भी थे घटना स्थल पर। वाहन की तलाशी ली गई, हालांकि वाहन पूरी तरह से खाली था। वाहन के बीच में एक छिपे हुए कमरे में 800 किलोग्राम की अधिक गांजा का एक पैकेट बरामद किया गया। खबर पाकर मौके पर पहुंचे उपविभागीय पुलिस अधिकारी चरण जमातिया। इस बीच अलग अलग जगहों पर पुलिस की निगरानी में नशीली पदार्थों की तस्करी की जा रही है। पुलिस की सफलता का हिस्सा बहुत कम है। सकाल तेलियामुरा ट्राफिक दफ्तर स्टाफ एवं तेलियामुरा थाना स्टाफ एवं सबाई तेलियामुरा हवाई बाड़ी एखे व्हीकल चेकिंग कर व्हीकल चेकिंग एक ट्रक गाड़ी आगरतला आस गाड़ीटा चेक करार पर हमें टोटाल 117 पैकेट डाई गांजा पाई यार वेट छो 874 केजी। বাজার মূল্য কেমন? বাজার মূল্য তো আনুমানিক 50 লক্ষ টাকা হতে পারে। এই ব্যাপারে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি, একজনের বাড়ি হচ্ছে UP-তে, একজনের বাড়ি বিহারে। স্যার, এই যে গাজা রেজোর্শন, এটা কি আপনার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাকি ভেহিকল চেকিং? এটা ভেহিকল চেকিং করার সময় আমরা পেয়েছি স্যার।